श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट में GI पंजीकृत हस्तशिल्प उत्पाद भेंट किया जाएगा। इसमें रुद्राक्ष जड़ित जरदोजी अंगवस्त्र, मेटल रिपोजी क्राफ्ट का त्रिशूल और लकड़ी का कमल शामिल है। पद्मश्री और GI विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने बताया है कि काशीपुरा निवासी विजय कसेरा, रमेश कसेरा और अनिल कसेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने के लिए 3 फीट 6 इंच का मेटल रिपोजी क्राफ्ट त्रिशूल तैयार किया है। इसमें 4 नाग की आकृति बनी हुई है। नाग की पूंछ को त्रिशूल में लपेटा गया है। इसी प्रकार लल्लापुर निवासी मुमताज अली ने जरी, जरदोजी एवं रेशम का प्रयोग करते हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 14 दानों को लगाकर अंगवस्त्र तैयार किया है। भगवान शिव का रुद्राक्ष से गहरा नाता रहा है, इसी कारण इस अंगवस्त्र में पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है। रामकटोरी निवासी चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा ने वुडवर्किंग शिल्प का 22 इंच की आकृति में कमल की पंखुड़ियों के बीच शिवलिंग को जड़ित किया है। इसके आधार में शिंग, वृषक, हाथी और अश्व की आकृति को उकेरा गया है। कमल शिवलिंग की विशेषता यह है कि पंखुड़ियों के बीच में स्थित बटन से घुमाकर खोला एवं बंद किया जाएगा। ये बहुत बड़ा वैभव का समय है। उस समय काशी के जो शिल्पी हैं उन्होंने निर्णय लिया हर बार की तरह से कि हम उनको अद्भुत चीज़ें भेंट करेंगे, तो जिसमें उन्होंने सबसे पहले जरदोजी का अंगवस्त्र तैयार किया है। उस अंगवस्त्र के ऊपर में एक साइड में 5 रुद्राक्ष के दाने, दूसरे साइड में 5 रुद्राक्ष के दाने, तो पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने का प्रयोग किया गया है और श्री काशी विश्वनाथ धाम जरी जरदोजी से उकेर करके उसमें डाला गया है। नीचे झालर में भी रुद्राक्ष के दानों का प्रयोग किया गया है। अंगवस्त्र के बाद में मेटल रिपोजी क्राफ्ट के ऊपर में त्रिशूल बनाया गया है और त्रिशूल के ऊपर में 4 अलग अलग नाग उस पर विराजमान हैं जो भगवान शिव के सिंबल को उनके गले में लिपटे रहते हैं भुजंग, तो वो त्रिशूल की आकृति उन लोगों ने तैयार किया है। इन सभी कलाकृतियों को तैयार करने में शिल्पियों को 15 से 25 दिन का समय लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसमें इससे पर्यटन के साथ साथ काशी एवं पूर्वांचल के हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।